the third model which is available uh, with all of, uh, all of us for the purpose of uh, industry analysis is known as adl matrix adl matrix now adl matrix uh, as you can see uh, takes into account number one the industry life cycle stages and i am sure you will remember uh, when we discussed about the industry life cycle we looked at the embryonic stage which is the uh, the initial stage then the growth stage and then mature maturity stage and the aging stage so these are the four stages uh, in the life of any industry and that is the industry life cycle so the adl matrix that we are talking about now

ये जो चीज़ है ये तीनों मॉडल में आपको दिखाई देगी ये कंपटीशन पोजीशन आपको बॉस्टन कंसल्टिंग मॉडल में भी दिखाई देगी और ये आपको जी के जो नाइन बॉक्स का मैट्रिक्स है उसमें भी दिखाई देगी और जो एडीएल मैट्रिक्स जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा सो द ओनली डिफरेंस in case of the boston consulting group model it appears in the form of market share so remember if a company has a high market share that means that company's competitive position is very sound and that is what the adl matrix is talking about in terms of competition position and the same thing in case of ge's uh, nine mat nine box matrix uh, they talk in terms of the business unit strength now remember इफ सम द बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है उसका मतलब यही है कि जिस बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस बिजनेस की कॉम्पिटिटिव पावर उतनी ज़्यादा होगी एंड दैट इज़ वॉट यू मस्ट रिमेंबर एंड कीप दिस इन माइंड एज अज अटर ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग कि तीनों ही मॉडल में बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप का जो मॉडल है जी मैजिक का जो नाइन बॉक्स का मॉडल है और ए डी एल का जो मॉडल है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो तीनों मॉडल फॉर डूइंग द इंडस्ट्री एनालिसिस Uh, do take into account the competition position right now uh, uh, the the ge's model uh, the the adl matrix model that we are discussing now it takes into account uh, the competition position from five perspective so number one is how is the company's competitive position is it weak is it uh, tenable tenable energy chelsea is it favorable ki positively disposed disposition here or number four is it strong that means uh, the company has got strength or it is dominant so uh, these are the five uh, variant or five levels of competitive position that the adl matrix uh, looks at and i'm repeating it once again for the understanding of everyone number one हाउ इज़ दी कॉम्पिटिव पोजिशन ऑफ दी कंपनी जिसके बारे में हम इंडस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उस कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है वो वीक है या फिर वो टेनेबल है या फिर वो फेवरेबल है या फिर वो स्ट्रोंग है और या फिर वो डोमिनेंट है सो दीज आर दी फाइव एंगल्स दैट वी लुकेट फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजिशन

कॉम्पिटेटिव पोजिशन के जो पांच वेरियंट हैं अगर इन दोनों को हम मिक्स करें तो हमारे पास ट्वेंटी ऑप्शन बन जाते हैं ट्वेंटी स्ट्रेटजीज बन जाती हैं uh, हमारे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और या फिर उसके बारे में आगे क्या करना चाहिए ये सोचने के लिए तो अब हम क्या करेंगे इसको एक एक करके देखेंगे तो वी विल लोकेट फर्स्ट फर्स्ट इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज़ एट दी फर्स्ट लुक एट दी अबाउट द इंडस्ट्री एट दी एम्ब्रायनिक स्टेज सो इंडस्ट्री का जो पोजिशन वो कौन सा है वो एम्ब्रायनिक है एम्ब्रायनिक है तो अगर इंडस्ट्री का पोजिशन एम्ब्रायोनिक है और जो कंपनी है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं वो वीक है तो हम उस कंपनी को क्या करना चाहिए अप और आउट यानी कि बाहर निकल जाना चाहिए बाहर निकल जाना चाहिए Uh, या फिर सोचना चाहिए कि क्या क्या करा जा सकता है सो एट दैट इज़ दी मोमेंट वैन दी कंपनी विल हैव टू सीरियसली टेक अ डिसीजन आईदर टू पुट दी स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन इट और टू गेट आउट ऑफ इट सेकेंड पोजिशन इज ऑफ कॉम्पिटेटिव पोजिशन इज टेनेबल सो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का जो स्टेज है वो एम्ब्रायोनिक है और कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेंथ है वो टेनेबल है तो सेलेक्टिवली पुश फॉर पोजिशन अकॉर्डिंग टू ए डी एल मैट्रिक्स दैट इज दी स्ट्रेटी दिस कंपनी हैज़ टू लुकेट उसकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन फेवरेबल है तो वॉट दिस कंपनी शुड डू दिस कंपनी शुड सेलेक्टिवली अटैम्प्ट टू इम्प्रूव द पोजिशन राइट रिमेंबर इंडस्ट्री एमब्रायोनिक स्टेज पर है कंपनी की जो कॉम्पिटिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो फेवरेबल है यानि कि उसके उस, उसके पक्ष में जाती हैं उसके हक में जाती हैं तो ऐसी कंपनी ने क्या स्ट्रेटी अपनाना चाहिए ऐसी कंपनी ने सेलेक्टिवली अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द पोजिशन दैट इज वाट दे शुड डू और अगर कंपनी की जो कॉम्पिटेटिव uh, पोजिशन है वो स्ट्रांग है वॉट दिस कंपनी शुड डू दिस कंपनी शुड अटेम्प्ट टू इंप्रूव पोजिशन ऑल आउट पुश फॉर शेयर राइट सो देखिए कंपनी इंडस्ट्री एम्ब्रायनर स्टेज में है और कंपनी की जो पोजिशन है वो कम्पटेटिव पोजिशन वो स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली इस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने के मिलने के पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज़ वाई व्हाट दिस कंपनी शुड डू ऑल आउट पुश फॉर मार्केट शेयर यानी कि जब जब इंडस्ट्री एम्ब्रायोनिक स्टेज में है तो उसी स्टेज पर इस कंपनी ने क्या करना चाहिए इट शुड गो फॉर ऑल आउट एफर्ट्स टू इम्प्रूव द मार्केट शेयर एंड फाइनली अगर ये कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में है और जो इंडस्ट्री है वो एम्ब्रॉन स्टेज पे है तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस कंपनी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऑल आउट पुश फॉर शेयर होल्ड पोजिशन राइट एंड दैट इज वॉट दिस दिस कंपनी शुड डू लेट एस चेंज दी दी स्टेज सो नाउ वी टॉक अबाउट दी ग्रोथ स्टेज सो इन केस ऑफ ग्रोथ स्टेज हाउ वुड दी स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी चेंज डिपेंडिंग ऑन दी देयर दियर कॉम्पिटिटिव पोजिशन तो अगर उनकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन है जो वीक है और इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज पे है तो क्या करना चाहिए टर्न अराउंड और अबेंडन यानी कि आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है तो आपके पास में क्या ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन है कि या तो आप टर्न अराउंड के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो और या फिर वहां से छोड़ के निकल जाओ हार्वेस्ट करो एज पर दी एज पर दी जी इज एज पर दी इज नाइन बॉक्स मॉडल अगर आपकी कॉम्पिटेटिव पोजिशन टेबल है फाइंड आउट नीश एंड प्रोटेक्टेड यानी कि आपकी कॉम्पिटिव पोजिशन में थोड़ा दम है तो क्या करिए ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे कि आप डोमिनेट कर सकते हैं और उसको फिर प्रोटेक्ट करिए अगर आपकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन फेवरेबल है तो आपको क्या करना चाहिए यू शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजिशन सेलेक्टिव पुश फॉर शेयर एंड दैट इज़ वॉट यू शुड डू ग्रोथ स्टेज है आपकी कॉम्पिटेटिव पोजिशन स्ट्रॉन्ग है व्हाट शुड यू डू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव पोजिशन एंड पुश फॉर शेयर दैट इज़ व्हाट यू शुड डू और अगर कंपनी ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में है और आपकी पोजिशन उस इंडस्ट्री में डोमिनेंट है तो आपको क्या करना चाहिए होल्ड पोजिशन एंड होल्ड शेयर यू आर डोमिनेटिंग सो मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू डोमिनेट सो एज टू रीप रिच डिविडेंड फ्रॉम योर डोमिनेंट पोजिशन In that industry now what happens when the industry is in the mature stage of uh, its industry life cycle let us again look start looking from uh, the bottom so the competitive position is weak that means uh, turned around orphaned आउट विद्रॉल राइट सो मेच्योर अब देखिए इंडस्ट्री मेच्योर स्टेज पे पहुंच चुकी है यानी कि आपको आगे का जो स्कोप है उतना कम हो गया और आपकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन वीक है तो मेरे ख्याल से दी बेस्ट स्ट्रेटजी शुड बी टू गो फॉर विड्रॉल टू गो फॉर बेटर ऑल बिकॉज आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको कैबैक्स करना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपको टाइम एफर्ट्स एंड मनी स्पेंड करना पड़ेगा एंड वेर इज द टाइम फॉर यू टू हारवेस्ट इट इज गोइंग टू देट मज लेस एंड देर फॉर द बेस्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ इट आपकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन ठीक ठाक है टेनेबल है तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी वैन यू आर वैन द इंडस्ट्री इज इन द मेचोर स्टेज फेजड आउट विदड्रॉबल और फाइंड नीश एंड हैंग ऑन अब देखिए आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है वो टेनेबल है और इंडस्ट्री मेचोर स्टेज पे है तो आप क्या कर सकते हैं या तो आप फेज़ विद्रॉल करिए इन देज आउट मैनर और या फिर आप नीच एरिया को आइडेंटिफाई करिए एंड फोकस ऑन दैट नीच एरिया आपकी जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है वो फेवरेबल है इंडस्ट्री इज इन दच्योर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल वॉट कैन यू ड्यू custodial maintenance find a niche and protect and that is what you should do uh, aapki competitive position is strong hai powerful hai. mature uh, is mature is the stage of the industry life cycle what you can do hold position grow with the industry right so uh, abhi aap chuki, aapki competitive position strong hai. that means you have distinct advantage over your competitors and uh,

hold your position and grow with the industry and why hold the position and grow with the industry because since you are a dominant player you are able to command a premium on your selling price you are able to command have a control on your cost so since you are able to command a premium on your selling price and since you are able to control on your cost and therefore your profitability obviously is very good so when your profitability is good and even if you are in the maturity stage uh, and since you are in the dominating position यू वुड ऑब्वियसली भी एबल टू रिच रीप रिच बेनिफिट एंड देव फॉर वॉट यू शूड डू यू शुड होल्ड योर पोजिशन एंड कीप ग्रोइंग विद द इंडस्ट्री ना लेट्स लुक एट दी लास्ट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री साइकिल एंड दैट इज एजिंग तो इंडस्ट्री साइकिल के हिसाब से जो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है वो एजिंग स्टेज पे है अब एजिंग स्टेज पे है तो डिपेंडिंग ऑन दी योर कॉम्पिटिटिव पोजिशन वॉट कैन बी योर स्ट्रेटजी एजिंग है यानी कि अब इसका डिक्लाइन चालू हो चुका है और ये कुछ कुछ सालों के बाद ही कम ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाने वाली है तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटी होगी नंबर वन लुकिंग नंबर वन अगर आपकी कॉम्पिटेटिव पोजिशन वीक है तो ऑब्वियसली आप क्या करिए अबेंडन करिए अबेंडन करिए कट योर लॉसेज स्टॉप ब्लीडिंग सो जितना जल्दी हो सके वो कंपनी को किसी को बेच के निकल जाइए और क्यों बेच के निकल जाइए क्योंकि बेचेंगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आफ्टर अ वाइल यू विल नॉट गेट नथिंग ऑन द कंट्रे यू मे हैव टू पे समथिंग सो इन केस इफ योर कॉम्पिटेटिव पोजिशन इज वीक एंड इंडस्ट्री इज इन एजिंग साइकिल ऑफ द लाइफ साइकिल अबेंडन इट आपकी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेटिव पोजिशन टेनेबल है फेजड आउट विड और अबेंडन तो अगर आप फेजड आउट विथड्रॉ लेंगे धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाइए या फिर उसको एकदम पूरी तरह से छोड़ दीजिए जैसा कि uh, आपने uh, जब आपकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन वीक है उस स्टेज में किया आपकी uh, आपकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन फेवरेबल है यानी कि बेटर है और इंडस्ट्री इज इन द एजिंग स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल सो अगेन फेजड आउट और हार्वेस्ट यानी कि या तो धीरे धीरे करके निकल जाइए या जितना भी आप उसमें से कमा सकते हैं कमा लीजिए योर कॉम्पिटेटिव पोजिशन इज स्ट्रोंग एंड एंड द इंडस्ट्री इज इन द एजिंग स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल वॉट यू शुड डू होल्ड पोजिशन और हार्वेस्ट सो टेक अ कॉल वॉट इज इन योर इंटरेस्ट टू होल्ड द पोजिशन और टू हार्वेस्ट एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड डू एंड फाइनली इन द एजिंग स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री If your competitive position is dominant, then what you do? You hold the position because uh, since you are a dominant player, uh, even if the industry is in the uh, decline stage or the aging stage of the life cycle, remember you are a dominant player, and therefore you are still able to command premium. You are still able to able to control your cost because your per customer cost is going to be least among all the players that may be part of that industry. So hold the position and keep on holding it until the time the industry really finishes so this friends is your adl matrix and it gives you 20 different combinations as far as uh, the industry vis a vis your company analysis is concerned now before i close discussion on this uh, let me give you some idea as to what kind of question uh, there can be two questions that can uh, be constructed from this adl matrix so number 1 दी फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी द्वेश्चन माइट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज एज पर द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड वॉट दिल डू ये जो चारों में से तीन ऑप्शन आपको देंगे जो कि करेक्ट होगा एक ऑप्शन आपको देंगे जो कि रॉन्ग होगा और आपको क्या करना होगा कि वो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है उसको आपको आंसर करना पड़ेगा सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द एडीएल मैट्रिक्स अनदर क्वेश्चन कैन बी बिल्ट अगेन ऑन दी सिमिलर लाइन विद रिगार्ड टू दी विद रिगार्ड टू दी कॉम्पिटिटिव पोजिशन सो अगेन एज पर दी एडीएल मैट्रिक्स विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पिटिटिव पोजिशन कॉम्पोनेंट एस पर एडियल मैट्रिक्स और वापस क्या करेंगे आपको तीन उसमें से सही आंसर दे देंगे कोई से भी तीन यहां से लेकर दे देंगे एक आपको गलत आंसर देंगे और आपको वो गलत आंसर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिमेंबर ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी बन सकते हैं कैसे कि विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ दी कॉम्पिटिटिव पोजिशन एस पर दी एडियल मैट्रिक्स तो क्या करेंगे इन पांचों में से एक को सेलेक्ट करेंगे उसको दे देंगे और बाकी तीन गलत को डाल देंगे और आपको क्या करना होगा आपको ये जो सही है उसको आइडेंटिफाई करके आंसर करना पड़ेगा एंड सेम थिंग दे कैन डू फॉर फॉर द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ऑल्सो विच ऑफ द फॉलोइंग दी वन ऑफ द स्टेजेस एज पर द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल तो एम्ब्रायनिक ग्रोथ मेच्योर एंड एजिंग ये चारों में से एक दे देंगे बाकी तीन गलत ऑप्शन देंगे और आपको सही ऑप्शन क्या है उसको आंसर करना होगा एंड इफ यू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड अंडरस्टुड टू पैरामीटर्स एंड सब कॉम्पोनेट्स ऑफ टू पैरामीटर्स आई एम श्योर इफ यू गैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडियल मैट्रिक्स यू वुड बी डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दैट करेक्टली